कि जो उनको अपने गांव में रखे। अभी गांव में कोई रहना ही नहीं चाहता। मुंबई अब ऐसा सिटी बन चुका है, अभी आज 5-10 साल के बाद एक ब्लैक होल बन जाएगा मुंबई के सेंटर में, और फिर जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ये रूल है, ये सृष्टि का नियम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पढ़ाई में बच्चा पहला आया तो गांव से निकला तहसील में गया, तहसील से निकला डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट से निकला वो जो कैपिटल है उस स्टेट का वहाँ जाएगा, वहाँ से निकल के देश की कैपिटल में जाएगा, और फिर वहाँ अगर अच्छा किया तो अमेरिका है ही ना। तो एजुकेशन हमें क्या करता है, माइग्रेट करता है। कोई भी एजुकेशन आपको माइग्रेशन रोकने वाला नहीं है। हम लोग माइग्रेशन रोकना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे इश्यूज बढ़ रहे हैं, हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं 10 साल के बाद। ये माइग्रेशन ही है कि जो बहुत बड़ी मुसीबत हर एक स्टेट पे लाएगा या हर एक देश पे ये मुसीबत आएगी। रोहिंगा से लेकर आप कोई भी देखिए, कश्मीर का उदाहरण है, बंगाल का है, बांग्लादेश का है, ये सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये लोग अपने अपने गांव में बिज़नेस शुरू करें और वो बिज़नेस की श्रृंखला बनाए, चेन। अगर वो चेन बनती है तो अपने आप उस गांव का विकास होगा। अभी के हालात में क्या हो रहा है कि बिजनेसेस बन नहीं रहे, क्योंकि मैंने अगर वड़ा पाव का कोई स्टॉल गांव में लगा दिया तो पास वाला भी वड़ा पाव का ही लगाता है, अगर मैंने सब्जी की दुकान लगाई तो वो भी सब्जी की ही लगाता है। तो श्रृंखलाएँ नहीं बन रही है, कॉम्पिटिशन बन हो रहा है। तो वो श्रृंखलाएँ कैसे बने, जैसे मान लो कि हमने वेल्डिंग के कोर्स के बच्चे हैं, इनको 6 मंथ में हमने 2-3 टाइप का वेल्डिंग सिखाया और उनको 6 महीने का इंटर्नशिप दिया।